हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। ब्राजीलियन सीरी लीग का सिंगल साइडेड मैच होने जा रहा है रेड बुल ब्रैगनिटो वर्सेस बोटाफोगो के बीच 3:30 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस मैच की, तो रेड बुल ब्रैगनिटो की रैंकिंग बहुत नीचे है। मतलब एक होता है ना जीतना, जीत तो बड़ी दूर की बात है, गोल करना इनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल हो रखी है। जब तक आप गोल नहीं करोगे तो आप जीत सकते ही नहीं फुटबॉल में, तो खास तौर फुटबॉल में, ठीक है, क्योंकि फुटबॉल के अंदर गोल ज़रूरी है, गोल के बिना जीता नहीं जाता। तो इनकी जीत तो बड़ी दूर की बात है। पहले ये टीम गोल करने के थोड़े रेशियो बढ़ाए तो जाकर कहीं जीत का सोचे। बाकी बोटाफोगो पॉइंट टेबल्स पे पहले नंबर की टीम है और ब्रैगनिटो पॉइंट टेबल में 14th नंबर की टीम है, जबकि इतना बड़ा सीज़न निकल चुका है, 41 गोल हो चुके हैं बोटाफोगो के इस सीज़न, तब भी ब्रैगनिटो 14 नंबर पर है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप बोटाफोगो को फेवर करो, बोटाफोगो को आंख बंद करके फेवर करो, गलती नहीं करो। आप डबल साइड टीम मत बनाना, ये एक तरफा मैच है। 99% विनिंग चांसेस बोटाफोगो के हैं भाई, 1% जाकर इनका है कहीं। तो इसलिए आगे चलते हैं। तो बात करें स्ट्राइकिंग की, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर तो सबसे पहले मैं जिस प्लेयर को लूँगा, दैट देखिए, मैं बहुत सोचने समझ के ने के बाद पहले मैं एल हेनरिक को सेव कर रहा हूँ। कहाँ ये बंदा इतना कमज़ोर हुआ करता था रियल बेटिस टीम में, बहुत कमज़ोर हुआ करता था, इसको खेलना मीन्स भूल ही चुका था। लेकिन अब इतनी अच्छी रिकवरी की है इस बंदे ने कि जो भी बंदा इस खिलाड़ी को अगर छोड़ रहा है तो मैं कहूँगा वो उसकी बेवकूफ़ी है भाई, ठीक है, मतलब मैं तो इसके साथ पक्का जाऊँगा। उसके बाद इनकी टीम का एक प्लेयर है इगोर जीसस, इगोर जीसस को जे सैंटोस की जगह पर लाया जाएगा, ये सुनने में तो आया था और हमने देखा भी 19 अगस्त के बाद। मैंने अक्टूबर के महीने में बात करूं तो कितने मैचेस में सैंटोस को नहीं खिलाकर इन लोगों ने जीसस को भेजा, और जीसस में वो है, जीसस खेल सकता है, जीसस के अंदर वो दम है, आई जीसस बहुत अमेजिंग है। उसके बाद अगर ऑपोजिशन टीम की बात करें, दैन टी बॉर्बेस के साथ जा रहा हूँ, जो कि अच्छा प्लेयर है, बॉर्बेस खेलेगा तो अच्छी बात है, नहीं खेलेगा तो अपनी टीम के लिए हारेंगे भाई ये लोग, इनकी टीम की गलती अगर बॉर्बेस को नहीं खिलाते, बॉर्बेस इनकी टीम का एक प्राइमरी ऑप्शन है। मिडफील्डिंग की बात करें, शेवरिनो के बाद एम्फ्रिटस जस्ट फॉर पॉइंट्स। देखिए, शेवरिनो अगर कुछ करेगा तो असिस्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद अगर फिटस कुछ करेगा देन डायरेक्ट गोल ही करेगा, रेयर गोल, 10 में से 1-2 गोल ही आते हैं, लेकिन कब आते हैं कोई नहीं जानता, इसलिए फिटस के ऊपर रिस्क ले लो। उसके बाद अगर बात करें तो एल इवेंगलिस्टा, और उनकी टीम में भी एक एल हेनरिक है जिसको आप ले सकते हो, इसका नाम शॉर्ट लॉन्ग नेम है लिंकॉलिन, और वी हुगो को कई लोग लेंगे क्योंकि विटर हुगो एंड लिंकॉलिन में से एक प्लेयर ही आएगा। मैं लिंकॉलिन के साथ हूँ स्पेशली, मैं रिस्क ले रहा हूँ। डिफेंडिंग सेक्शन के अंदर मैं ले रहा हूँ ए बैरबोजा को, उसके बाद एच गोंक्लेव्स, बेस्टोजा स्टड डिफेंडिंग कर रहा है, मैं थर्ड डिफेंडर लेता नहीं हूँ लेकिन आज लूँगा क्योंकि वो एक की प्लेयर है, सिलेक्शन बेसिस पे बहुत कम है इसकी सिलेक्शन, तो इसलिए इसके साथ जाऊँगा। एंड गोलकीपिंग की बात करें तो एल एजेवेडो के साथ जा रहा हूँ अगर खेलेगा। एजेवेडो कहीं वापसी की थी उसने 11 अगस्त को, उसके बाद कई मैचेस हमने कवर नहीं किए इनके क्योंकि ऐड ही नहीं हुए, लेकिन पिछले मैच में भी देखा तो एजेवेडो ही खेल रहा था, तो इसकी मुझे डाउट है। एंड बात करें कप्तान की, कैप्टन आप एल हेनरिक को रखो, वाइस कैप्टन आप जीसस या शेवरिनो में से किसी एक को रखो, मैं जीसस प्रेफर करता हूँ क्योंकि इस मैच में गोल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।